OTT का जमाना है। बहुत सारे लोग हैरान और परेशान हैं कि OTT पैसा कैसे कमाता है, हमारी फिल्मों को किस हिसाब से पैसा बांट रहा है। तो आज मैं बताता हूँ आपको, जैसे नए फिल्म मेकर्स हैं वो सोचते हैं पर व्यू पैसा कैसे मिल रहा है और हमें पैसा इतना कम या ज़्यादा कैसे मिल रहा है, कैसे आंकड़ा लगाता है एक OTT वाला और किस हिसाब से हमें पेमेंट किया जाता है। ये सारे फिल्म मेकर्स परेशान हैं, मैं भी परेशान था। हाल ही में मैंने एक फिल्म बनाई है NGO, MX प्लेयर हंगामा पे है, आप भी जाके देखिए। मैं भी यही हैरान और परेशान था। जब मेरा एग्रीमेंट हुआ तो उसमें लिखा गया पर व्यू 50-50% रेशियो। 50-50% का मतलब होता है कि 50% जाता है ब्रोकर को जिसके मीडियम से आपका ये एग्रीमेंट हुआ है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, और जो 50% होता है वो आता है आपको। सपोज कीजिए आपके फिल्म का पर व्यू कॉस्ट 2 रुपये आपको MX प्लेयर या हंगामा पे कर रहा है, तो वो 2 रुपये में से 1 रुपये आपको मिलता है और 1 रुपये मिलता है आपके ब्रोकर को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि OTT वाले किस हिसाब से आपको पेमेंट कराते हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यूज तो बहुत अच्छे आ जाते हैं लेकिन आपको पेमेंट बहुत कम मिलता है। उसके पीछे कई रीजन्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जानिए वो रीजन्स। नंबर 1, मिनट व्यूड बाय सब्सक्राइबर। तो उस OTT के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कितने मिनट तक आपकी वीडियो को देखा है। सपोज कीजिए आपकी कोई फिल्म 2 घंटे की है तो जो वो सब्सक्राइबर है वो कितने मिनट देख रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 1 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो इसके हिसाब से भी पेमेंट होता है। नंबर 2, ड्रॉप ऑफ टाइम। मान लीजिए कोई आपका व्यूअर है, वो आता है और कितने मिनट में आपकी फिल्म छोड़ देता है। सपोज कीजिए कोई व्यूअर आया, आपकी फिल्म को 8 मिनट तक देखा और 8 मिनट बाद आपकी फिल्म को देखकर बंद कर दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट ही काउंट होता है। इसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ टाइम। नंबर 3, प्रेजेंटेड ऑफ द मूवी स्किप। कि कोई भी आपकी फिल्म को तो पूरी देख रहा है लेकिन भगा भगा के देख रहा है, मतलब कि फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा है। आपने देखा होगा, आप भी कभी कोई फिल्म देखते हैं तो एक मिनट पे आप देख रहे हैं, देखते देखते वो सीन आपको मज़ा नहीं आया या अच्छा नहीं लगा, या आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं या थोड़ा सा भगा के आगे करके देखने लग जाते हैं। उसके बाद आप 34 मिनट से 10 मिनट तक देखते हैं और उसके बाद 2-3 मिनट फिर भगा देते हैं और इस तरीके से आप पूरी फिल्म फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। ये तीनों को मिलाकर ही डिसाइड होता है कि आपका पर व्यू कितने रुपए बन रहा है। OTT आपको इसके हिसाब से ही पेमेंट करती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, आज तक ये बात बहुत सारे मेकर्स को नहीं पता थी, तो मुझे लगता है जो नए मेकर्स हैं उनको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा समझने में कि OTT पैसे आपको किस हिसाब से पेमेंट करता है। कुछ लोग का पैसा बहुत ज़्यादा बनता है और कुछ लोग का कम बनता है, कुछ लोग की व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं फिर भी कम बनता है, क्योंकि ये जो 3 कैटेगरी जो मैंने अभी बताई इसके मापदंडों पर आपकी फिल्म कितनी खरी उतर रही है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। और कुछ लोग का पेमेंट बहुत ज़्यादा बनता है कम व्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि 3 जो मापदंड है इसमें उनकी फिल्म खरी उतरती होगी। ऐसा ही कुछ है और ऐसा ही होता है। तो गाइस मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि OTT का जमाना और सब OTT पे शिफ्ट हो रहे हैं और जितने फिल्म मेकर्स हैं अपनी फिल्मों को OTT पर व्यू के हिसाब से दे रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं, फिल्में चला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कोई और कंटेंट चाहिए, आपको कोई और वीडियो चाहिए फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। जल्दी से फिल्मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो आएगी जो आपको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर कोई आपका फिल्म मेकर फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग गाइस, बाय बाय।